मुझे लगता है बिहार के सरकार के वो मंत्री भी मूड है, सुन लीजिए कान खोल करके, मूड है जो अज्ञानी शिक्षा मंत्री, इन्होंने जो अज्ञानी है और शिक्षा मंत्री बहुत ज्ञान, वो नकली ज्ञान है, असली ज्ञान तो तुलसी के राम में ही है, उनको पता नहीं। और सरकार जो मुखिया है ये पलटू कुमार जी, घमंडी कुमार, उनको पाल करके और इस प्रकार से राम को जिस प्रकार से बाजार में चारों तरफ अपमानित किया जा रहा है, रामचरितमानस को, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आत्मा को, तो निश्चित रूप से तुलसी के राम, रामचरितमानस का नहीं सहेगा अपमान, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा तुलसी का अपमान और रामचरितमानस का अपमान। इसलिए जो लोग भी ये साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र करके पिछली दरवाजे से जो वो चाहते हैं कि हम गाली दिलवाएं और उसके मुखिया अपने को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, उनका तो सत्यानाश होगा ही और उनका भी सत्यानाश हो जाएगा जो इस प्रकार के गाली दिलवाने में, रामचरितमानस का अपमान करने में, ऐसे मूड शिक्षा मंत्री को आज तक पालने में, जो जिस प्रकार से पल्ला में बेटे को पालता है, ऐसे मूड शिक्षा मंत्री को पलने पर पाल रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश तो होगा ही। यदाही धर्मस्य ग्लानी पर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सनात्मानम सजाव्यम, वो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आकर के अगर तारिका का वध राम ने किया, रावण का वध किया, तो ये घमंडिया को समझना चाहिए कृष्ण के हाथों और श्री राम के हाथों इन सब का भी घमंड चूर होगा और बिहार की जनता एक ऐसी लकीर खींचेगी जो राम राज्य का होगा, सनातन संस्कृति संस्कार से युक्त राम राज्य इस बिहार में कायम होगा, देश में कायम हो रहा है, देश में है, आगे भी कायम रहेगा। जेडीयू कह रही है कि नीतीश जी चेहरा होंगे इंडिया अलायंस का बिहार। अरे सुनिए, क्या कुछ हो सकता है नीतीश जी का चेहरा बनेगा तो? अरे आप लोग समझ रहे हैं ना सर, बाबा इधर इधर ये बंगलोर गए थे, बंगलोर गए थे और वहाँ इनका सपना ध्वस्त हो गया और वहाँ से फूफा जी वापस आ गए, मंडप जल गया, दूल्हा का ठिकाना नहीं, ये दूल्हा सब दिन के लिए कुमारे रह जाएंगे और ये पलटू कुमार कभी भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, जिस अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत की जनता को लूटा, आज वो INDIA जो इंडिया है, ये इंडिया बना करके अपना पुराना स्वरूप को भुलाने के लिए भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, वंशवादी जातिवादी भारत छोड़ो, तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाले भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो, इंडिया ये इंडिया जो है घमंडिया में परिणत हो गया, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपना ही बनकर के रह जाएगा, लेकिन पलटू कुमार का अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होगा और आने वाले दिनों में वो जीरो पर आउट होंगे, जीरो पर आउट होंगे। कान खोल करके सुन लीजिए, मैं क्या दिया ना, जाति जनगणना अच्छी बात है, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए सहमति दिया था, लेकिन ये जाति जनगणना किस रूप में, जातियों को जाति से लड़ाने के लिए नहीं, जाति जनगणना का जिस प्रकार से इन्होंने स्वरूप दिया और जिस प्रकार से इन्होंने गणना कराने का, सच्चा बोलिए, सबके घर में पहुंच रहा है सर्वेयर, नहीं पहुंच रहा, ये दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी अंतिम पौदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय ही एकमात्र हमारा संकल्प है, हम समाज के वैसे लोगों को, जो शोषित पीड़ित दलित, ऐसे लोगों का उत्थान तभी होगा, राम राज्य का निर्माण, हम राम राज्य का निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म जयंती पर बड़े सुसंस्कारित संस्कार क्षेम कार्यक्रम और हम सभी समाज को लेके चलने वाले लोग हैं और अध्यक्ष जी ने कह दिया तो कह दिया कि भाई आप खुश हो, कुछ के प्रतापी है राजा राम से।
उसका नाम दे दिया मिथिले। लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं कि सरकार नफरत के नजर से देख रही है बिहार में जो जाती है। ऐसा है आज हजारों लोगों ने हनुमान एक मिनट भाई चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया चिंता मत करिए सदा चौधरी चेहरा होंगे सीएम के। भाई सुनो मैं तो राजा राम का बेटा कुछ के रूप में है, चेहरा कौन किसका होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी बिहार का नरेंद्र भाई मोदी देश का चेहरा है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में बिहार में सरकार बनेगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो सबको समाज के लेकर के लव कुश से लेकर के सब समाज को लेकर के बने।